नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। हम फिर हाजिर हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेवाड़ी की खबर के साथ, जहां पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुधा यादव अपने गृह जिला रेवाड़ी पहुंची, जहां महिला कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुधा यादव ने कहा कि राहुल गांधी को विदेश में दिए अपने बयान पर नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अध्ययन करना चाहिए, तो सही उन्होंने सरपंचों पर भी हुए लाठीचार्ज को थोड़ी सख्ती बताया। सरकार ने जितना उनको अवसर दिया, जितना उनको मौका दिया, बातों के ऊपर चर्चा करी और समाधान का तरीका सिर्फ चर्चा ही होता है। आप उसमें से कोई रिजल्ट निकालेंगे तभी तो कोई काम बनेगी। अगर किसी ने मन में ये ठान लिया है कि मुझे कोई समाधान निकालना ही नहीं है और मुझे बार बार इन चीजों को उखाड़ना है तो ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात रखना सब रख सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से समाधान निकले ये भी आवश्यक है। पंजाब में आप देख रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है खालिस्तान काफी एग्रेसिव हो गए हैं और अभी जो कार्रवाई चल रही है इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी, किस नजरिए से देखते हैं आप ये सब चीजें? देखिए, ये अराजकता का माहौल देश के लिए खराब है और बॉर्डरिंग स्टेट के अंदर अगर अराजकता फैलती है तो ये सबके लिए नुकसानदायक है। इसका समाधान निकालने में केंद्र सरकार ने पहल करी है और निश्चित समाधान निकाला। हरियाणा अब आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण का हब बनता जा रहा है। प्रदेश भर में करीबन 750 इकाइयों आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण कर रही हैं, जिसके चलते अब आयुर्वेदिक दवाओं में जड़ी बूटियों की शुद्धता बनाए रखने के लिए करनाल में क्लस्टर का निर्माण भी किया गया है। एमएसएमई के सहयोग से जल्द ही इसका निर्माण शुरू करवाया जाएगा। क्लस्टर वो स्थिति है कि जहां पे हमारा जो रॉ मटेरियल जो जड़ी बूटियों की शुद्धता की जब बात आती है, क्योंकि जब हमारी जड़ी बूटी शुद्ध नहीं होगी तो जो हमारा एंड प्रोडक्ट जो बनेगा आयुर्वेद का वही शुद्ध नहीं होगा। इसलिए एक्सट्रैक्ट अब निकाले जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जड़ी बूटियों का, तो उसमें एक जगह पे क्लस्टर बन जाए कि जहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरर्स उस क्लस्टर से ही, जैसे करनाल में इसमें प्रपोजल चल रहा है स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के तरफ से एमएसएमई के डिपार्टमेंट के साथ सहयोग से क्लस्टर बन रहा है ताकि वो वहाँ पे बन जाए एक जगह हब टाइप का एक्सट्रैक्ट के लिए और वहीं से हमारे मैन्युफैक्चरर्स उसको लें ताकि उसको सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिले एक्सट्रैक्ट का कि हाँ हमारा ये जड़ी बूटी सही है और तब वो सही प्रोडक्ट बना सके। जीन जिला परिषद हाउस की चेयरपर्सन मनीषा रंधावा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षदों ने सर्वसम्मति से ग्रांट वितरण के लिए चार सदस्यों की कमेटी को अधिकार दिया है, जिसमें चेयरपर्सन के साथ वाइस चेयरमैन सतीश हथवाला, वार्ड 13 की पार्षद कविता और वार्ड 20 की पार्षद सुशीला शामिल हैं। सभी जिला पार्षदों ने अपने अपने वार्डों के कामों की सूची इस कमेटी को देने के लिए कहा गया है। के आधार पर कार्य करवाए जाएंगे, सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे, बिना किसी भेदभाव के कार्य करवाए जाएंगे और जो मुद्दा था, जो वितरण था, वो समान रूप से सब में बांटा गया। पानी की भी वहाँ पे समस्या आई थी, समान वितरण में मुद्दा मतलब जो है वो वितरण बांटा गया है और वहाँ पे मुद्दे में बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे रोडवेज की बसों का को लेकर पानी की समस्या आई। और बहादुरगढ़ में ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। ट्रैफिक पुलिस ने डीएसपी पवन कुमार की अगुवाई में ब्लैक फिल्म लगे 29 वाहनों के चलान काटे हैं। इन वाहन मालिकों पर 2,90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। झज्जर जिले में इस साल ट्रैफिक पुलिस ने करीब 7,000 वाहनों के चलान काटे हैं और 50 लाख से भी ज्यादा की राशि नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन मालिकों से वसूली जा चुकी है। ये हमारे जो रोहतक रेंज के आईजी साहब और एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीलिंग प्लान के तहत नाकाबंदी की गई है और इसमें जो भी विदाउट नंबर है, ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट डॉक्यूमेंट है, ब्लैक फिल्म है या कोई संदिग्ध कोई भी व्यक्ति है उसको चेक किया जा रहा है, उनके चलान किए जा रहे हैं। कितने का चलान है ब्लैक फिल्म का? जिसमें ब्लैक फिल्म का अगर चलान होता तो 10,000 रुपए का चलान। सिरसा में अब हथियार लहराने और आपराधिक घटनाओं में शामिल होने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पुलिस आपराधिक घटनाओं में शामिल होने वाले लोगों के शस्त्र रद्द करने की सिफारिश कर रही है।
हालांकि अब तक पुलिस ऐसे 7 लोगों के शस्त्र रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल सिरसा पुलिस ने ऐसे 70 लोगों की सूची बनाई है जो आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की आशंका है और जिनकी जांच की जा रही है। ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। हरियाणा की खास खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सत्य खबर के साथ। देखिए, जो भी आर्म्स एक्ट का वायलेशन करते हैं या अन्य अनैतिक गतिविधियों में या कानून व्यवस्था बिगाड़ने में इन्वॉल्व हैं, उनके हम वेपन लाइसेंस जो हैं वो कैंसिलेशन की सिफारिश भेज रहे हैं। और ऐसे अभी कई लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और 7 की ऑलरेडी सिफारिश भेजी जा चुकी है हमारी तरफ से। हाँ, ऐसे सस्पेक्टेड हैं लगभग 65 से 70 के बीच में, तो उनका भी हम वेरिफिकेशन अभी करवा रहे हैं कि कोई अगर पब्लिक डिस्प्ले आर्म कर रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है या किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था या किसी भी वायलेंट गतिविधि में इन्वॉल्व है तो उसका निश्चित रूप से जो है वेपन लाइसेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्म्स एक्ट कैंसिलेशन के लिए हम सिफारिश कर रहे हैं। सत्य सटीक बेबाक।